तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो भाई द गैंगस्टर होता है वो किसी लड़की को टापू पे से बचा के आता है। तो वो लड़की जो होती है भाई द गैंगस्टर को, अपने भाई को एक पासपोर्ट वाले का एड्रेस देती है जिस पे ये अभी मैं फ़िलहाल जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट वाले के पास में, और आगे का जो वीडियो है आप लोग देखो और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, हमारा मेन मोटिव ये है इस वीडियो का कि इसमें हमने पासपोर्ट भी ले लिया, लेकिन हमें इसके बाद कभी भी मतलब कोई भी ऐसा एड्रेस नहीं दिखता है जिसके मदद से हम लोग कांचा बिहारी को पकड़ सकें। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाला हूँ, 100% ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कांचा बिहारी का एड्रेस कहाँ से मिलेगा और आप लोगों को बैंकॉक कैसे जा सकते हो। भैया जी, ये छोटू से मिलना है। अबे भूतनी के, हम ही छोटू है, मोटे है तो क्या हुआ? बताओ क्या काम है? शीला ने भेजा है हमें तुम्हारे पास, पर्ची पासपोर्ट बनाना है। अरे क्या बात है भैया, क्या बात है, कहीं बैंकॉक तो नहीं जा रहे हो? कोई बात नहीं भैया, बन जाएगा। 5 पेटी लगेगा GST मिलाकर। हाँ सालो, लूट लो तुम भी, बिना पैसे के तो तुम सांस भी नहीं लेते हो, है ना? अब क्या करे भैया, गंदा है पर धंधा है। तुम तब तक चाय सुट्टा मारो, हम पासपोर्ट रेडी करवाते हैं। अरे ये लो भैया तुम्हारा पासपोर्ट, मजे करो अब। तो दोस्तों, पासपोर्ट तो हमें मिल चुका है, लेकिन अब हमें कांचा बिहारी को एड्रेस को ढूंढना है और ताकि हम बैंकॉक जा सकें और कांचा बिहारी को ख़त्म कर सकें, अपना बदला ले सकें। उसके लिए मैं हेलीकॉप्टर में बैठ जाता हूं और आप लोगों को एक जगह दिखाता हूं जहां कि आप लोगों को कांचा बिहारी का एड्रेस मिल जाता है। वो लोकेशन सीक्रेट है, इसलिए आप लोगों को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो जो लोकेशन है ना, वो इस छत के ऊपर है, तो आप लोगों को हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करना है, नहीं तो आप कांचा बिहारी के पास नहीं पहुँच सकते हो। तो आप लोगों को परफेक्ट तरीके से हेलीकॉप्टर को ले आना है और एक छत पे उतार देना है जिस पे मैं उतार रहा हूँ। आप लोगों को सेम इसी छत पे उतारना है हेलीकॉप्टर, तो थोड़ा बहुत परेशानी होगा, लेकिन आप लोगों को परफेक्ट हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतार लेना है। आप लोग जैसे छत पे हेलीकॉप्टर को उतार लेते हो और उतारने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आगे पैदल जाना है और आपको यहाँ पर एक वो दिखेगा जिससे कि आप लोग इसमें आराम से दूसरे छत पर जा सकते हो। तो फिलहाल गाइस, मैं गलती से नीचे गिर गया और ये डेथ हो चुकी है, तो अभी मैं अपने हेल्थ को रिकवर करूँगा और देख सकते हो यहाँ पे वेस्टेड लिखा गया है। तो फिलहाल अभी जो है हम लोग अपने हेल्थ को रिकवर करते हैं और फिर से दोबारा से उस प्लेस पे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे गिरने के बाद मैं आ गया था अपने घर में वापस से और मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार कार से ढूंढा जाए। तो वो प्लेस मैं अपनी कार उठा ली और मैं अब जाता हूँ यहाँ पर जहाँ पर मैंने यहाँ पर एड्रेस पूछा था इसका, कांचे बिहारी का। तो यहाँ पर तो दोस्तों ये बंद हो चुका है डिस्को 82, और फिलहाल तो अब हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग आसानी से जो है कांचा बिहारी को ढूंढ सकते हैं। तो मैं जब आगे बढ़ता हूं और कुछ दूर आगे चलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि यहां पे मेरे को एक जो है वो दिखता है, जस्ट एड्रेस दिखता है जिसकी मदद से मैं मतलब कांचा बिहारी को ढूंढ सकता हूं। मैं इसके अंदर जाता हूँ और अंदर जाने के बाद देखता हूँ, ढूंढता हूँ कि कांचा बिहारी हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, या उसका एड्रेस यहाँ पर मिल पाता नहीं है। तो यहाँ पर मैं अंदर चला जाता हूँ और देखता हूँ गाइस, तो ये एक गन शॉप है, इसके मैंने सारे गन जो है अनलॉक कर रखे हैं और आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो है पैसे भी अनलिमिटेड हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं गाइज, मैंने सारे गन खरीद लिए। अब गाइज, मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे बाइक उठा लेता हूँ और चारों तरफ राउंड लगाता हूँ। तो दोस्तों, बहुत ढूंढने बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गेम है यहीं तक बना है, इस गेम के आगे जो है कुछ बना नहीं है, इन्होंने अपने गेम को शायद अपडेट नहीं करा है। तो दोस्तों, ऐसा आधा अधूरा गेम खेलने में तो मज़ा नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है और अगर अभी गेम में कभी अपडेट आता है तो फिर गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।